स्वागत है आपका मेरे चैनल में एक बार फिर से। तो एक बार हम फिर लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल वेबसाइट पे हैं, जहां पर एक के बाद एक आयोग ने कई घोषणाएं की हैं। तो आप देख सकते हैं, है 1, 2, 3, 4 और उसके अलावा यहां पर 5 और लगातार घोषणाएं की हैं आयोग ने। तो धनतेरस के मौके पे बहुत अच्छी जो है गुड न्यूज आयोग ने दी है। चलिए एक एक के बारे में डिटेल में इस वीडियो में हम आपके साथ चर्चा करेंगे, तो मेरे साथ आप अंत तक बने रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन इससे पहले आप चैनल पर नए हैं तो लाइक कमेंट एंड शेयर करना मत भूलिएगा। बाकी आप हमें टेलीग्राम और इंस्टाग्राम के माध्यम से भी जुड़ सकते हैं, सभी का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया गया है। तो सबसे पहले आप देख सकते हैं एग्जीक्यूटिव ऑफिसर के जो एडमिट कार्ड है उससे रिलेटेड जो है नोटिफिकेशन आयोग ने जारी किया है। चलिए नोटिफिकेशन में देख लेते हैं आयोग ने क्या क्या कहा है। तो आप देख सकते हैं ये 3 नवंबर को ही ये नोटिफिकेशन जारी हो गया था कि 13 जनपदों के 20 नगरों में 26 नवंबर जी हाँ 26 नवंबर को जो है इसका एग्जामिनेशन होगा। इसके एडमिट कार्ड के लिए जो है लिंक ओपन कर दिया गया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर नीचे आप आ जाएंगे एडमिट कार्ड से रिलेटेड। ठीक है, एडमिट कार्ड हालांकि अभी तक यहाँ पर जो है विंडो ओपन नहीं हुई है, लेकिन आई थिंक थोड़ी देर बाद ये जो है विंडो ओपन हो जाएगी। एडिट करेक्शन एडमिट कार्ड कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर ऑनलाइन, ठीक है यहाँ पर थोड़ी देर बाद हो जाएगा। ठीक है, तो बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो डेट है हाँ वो हालांकि 10 नवंबर ही दी गई है, लेकिन अभी तक जो है नहीं यहाँ पर डाउनलोड एडमिट कार्ड नहीं हुए हैं। ठीक है, हो सकता है आयोग थोड़ी देर में इसके लिए जो है वेबसाइट को अपडेट करें। अगला है, आप देख सकते हैं अगला हम यहाँ पर बैक आएंगे तो अगला जो नोटिफिकेशन आयोग की ओर से जारी हुआ है वो है उत्तराखंड कंबाइंड स्टेट जूनियर इंजीनियरिंग एग्जामिनेशन एडिट करेक्शन को लेकर। तो आप देख सकते हैं जो स्टेट लेवल इंजीनियरिंग स्टेट लेवल है उसके लिए जो है एडिट और करेक्शन की विंडो जो है आयोग ने खोल दी है। आप देख सकते हैं 8 नवंबर को ये विज्ञापन जारी हुआ था। यहाँ पर करीब 1097 पोस्टों के लिए जो है एडिट करेक्शन का जो है ऑप्शन आयोग ने खोल दिया है। तो आप देख सकते हैं 10/11/2023 से लेकर 19/11/2023 तक आप इसको कर सकते हैं। ये लिंक है, ये से यहाँ पर हम क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ऊपर ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा एडिट करेक्शन विंडो फॉर कंबाइंड स्टेट इंजीनियर सर्विस एग्जामिनेशन 2023। ठीक है, ये दूसरा ऑप्शन हो गया आयोग की ओर से जो विज्ञापन आया है। तीसरा जो विज्ञापन आया है गवर्नमेंट इंडस्ट्री ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट प्रिंसिपल से रिलेटेड है, इसके लिए भी आप देख सकते हैं करेक्शन विंडो जो है आयोग ने ओपन कर दी है। बाकी यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इसके लिए आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है करेक्शन विंडो आपको जो है देखने को मिलेगी और ये भी जो है विंडो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। ठीक है, और नेक्स्ट जो मैसेज है यानी कि जो इन्फॉर्मेशन है आयोग ने जारी की है वो आप देख सकते हैं जुडिशियल सर्विस से रिलेटेड यहाँ पर जो है इन्फॉर्मेशन आयोग ने दी है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है, उसके अलावा नीचे जो है डिसक्वालीफाई कैंडिडेट फॉर मेंस, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये नोटिफिकेशन है जो कि हम थोड़ी देर में पढ़ेंगे क्या लिखा हुआ है। तो आप देख सकते हैं 9 नवंबर को ही ये जो है आदेश जारी हो गया था। ठीक है, यहाँ पर नेक्स्ट जो हम आएंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डिसक्वालीफाइड कैंडिडेट लिस्ट फॉर द मेंस, तो इसको हम खोलते हैं। ठीक, फिर देखते हैं कि आयोग ने क्या यहाँ पर इन्फॉर्मेशन जारी की है और क्या वाकई में कैंडिडेट्स की लिस्ट भी जारी हुई। तो आप देख सकते हैं सिविल जज 2023 1 मार्च 2023 मुख्य परीक्षा हेतु अनहर अभ्यर्थी, देखिए यहाँ पर अनुक्रमांक अभ्यर्थी का नाम और किस वजह से जो है डिसक्वालीफाई किया गया है वो भी लिखा है। ठीक है, शुल्क का भुगतान नहीं किए जाने के संबंध में और भी यहाँ पर है डिटेल, आप देख सकते हैं आयोग की ओर से जारी हुई है। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर नीचे हम आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 1, 2, 3, 4 हो गया। ठीक है, अब असिस्टेंट प्रोफेसर वाला भी हमने देख लिया कैंसिलेशन लिस्ट। ठीक है, आप देख सकते हैं नीचे हम आएंगे यहाँ पर ये आए असिस्टेंट प्रोफेशन से रिलेटेड, ये आप देख सकते हैं बॉटनी का। ठीक है, उसके अलावा इकोनॉमिक्स के जो है सारे जो कैंडिडेट्स के डिस्क्वालिफिकेशन है उससे रिलेटेड भी इन्फॉर्मेशन जो है आयोग ने दिए। उसके नीचे से लास्ट में हम आएंगे तो यहाँ पर ये पांचवी इन्फॉर्मेशन जो थी आयोग ने दिए, पहली असिस्टेंट प्रोफेसर कैंसिलेशन, दूसरा उत्तराखंड जुडिशियल सर्विस कैंसिलेशन, तीसरा इंडस्ट्रियल आईटीआई का था उसका एडिट करेक्शन, चौथा जो है कंबाइंड स्टेट जूनियर एडिट करेक्शन और पांचवा एग्जीक्यूटिव का जो है एडमिट कार्ड से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन दिए। तो ये 5 बड़ी इन्फॉर्मेशन आयोग ने आज जारी की है। तो कल भी आयोग ने लगभग 4 से लेकर 5
बड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी। तो ये रही आज की अपडेट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड।